अग्निवीरों का पहला जत्था सेना में आ चुका है। जल्द ही अलग अलग सेवाओं में इन्हें कमीशन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जत्थे को संबोधित भी किया और शुभकामनाएं दी। इसी बीच एक खबर आई आगरा से। एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया जो लोगों के साथ जालसाजी कर रहा था। आरोप है कि गिरफ्तार हुए शख्स ने लोगों को 50,000 रुपए में अग्निपथ स्कीम के तहत नौकरी दिलाने का वादा किया था। आरोपी ने लोगों से डायरेक्ट भर्ती का वादा किया था। पुलिस ने इस ठग को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान मयंक विमल के नाम से हुई है, जो आगरा के बाह थाना क्षेत्र का है। जिस वक्त पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था, उस वक्त आरोपी फौजी की वर्दी में था। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो सैनिक है या नहीं। अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा चल रही थी, जहां आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी विमल छात्रों को गुमराह करने के लिए फौजी के कपड़ों में एकलव्य स्टेडियम में मौजूद था। पास करवाने के इरादे से आरोपी मौके पर था। मयंक विमल पास करवाने के बदले पैसों की मांग कर रहा था, लेकिन वहीं मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत कर दी। थाना सदर पुलिस ने चल रही अग्निवीर परीक्षा में एक व्यक्ति जो कि आर्मी के हवलदार का वर्दी पहनकर वहां जो कैंडिडेट थे उनको गुमराह कर रहा था और उनसे 50,000 रुपए में सौदा कर रहा था कि उसको एग्जाम में पास करा देंगे, उसको सदर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है। उसके पास से बहुत सारे सामान बरामद हुए हैं, जिनमें कि एक डिपेंडेंट आईडी कार्ड है, एक परिचय पत्र रखने का कवर है जो कि आर्मी वालों के पास होता है, एक आधार कार्ड है, 9 रंगीन आर्मी यूनिफॉर्म में फोटो है, साथ में एटीएम कार्ड है, कैनरा बैंक का पासबुक है जिसमें कि वो पैसे ट्रांसफर कराने के लिए बता रहा था, एक मिलिट्री टेलर का वर्दी है, उसके साथ मोनोग्राम है राष्ट्रीय ध्वज का, आर्मी के कपड़े का मोनोग्राम है और प्रशस्ति मोनोग्राम है, रिबन प्लेट है, आर्मी वाले बूट हैं मोजे के साथ, आर्मी बेल्ट, आर्मी शर्ट, आर्मी की पैंट, मतलब वो पूरे सामान से पत्र बरामद हुए हैं, जिससे कोई व्यक्ति ये पूर्णतः विश्वास कर लेगा ये आर्मी का व्यक्ति है और ये फर्जीवाड़ा करते हुए पकड़ा गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सेना की वर्दी पहने इस आरोपी को धर दबोचा। आरोपी के पास से पुलिस ने सेना की वर्दी, एटीएम कार्ड, सेना का नकली आई कार्ड और काफी सामान बरामद किया है। पुलिस फिलहाल उससे पूछताछ कर रही है, साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ये सारा सामान कहां से लाया था या उससे कहीं किसी बड़े गैंग से तार तो नहीं जुड़े हुए। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।